चुनाव बहिष्कार का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार में तो वो है और पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया है और उत्तराखंड की जनता को क्या दिया है उत्तराखंड की जनता जानती है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट है, बहुत सारे लोग, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही है, लोग मुझे अगर मैसेज जो कर रहे हैं उनको मैं आपको पढ़ के बताऊं तो आश्चर्यचकित करने वाले। कोई कह रहा है इस बार मैंने कांग्रेस को वोट दिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, ये देखा गया तो है। मैं आपको ये कह रही थी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वोट है, अग्निवीर योजना के खिलाफ, अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में जो कुछ हुआ है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इन सब चीजों को लेकर आज जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि जनता जानती है कि जो कुर्सी पर बैठा है उसे हटाना पड़ेगा। जैसा मैं आपको कह रही थी, जो मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है वो लोग जो जागरूक हैं, जो कह रहे हैं कि अंधभक्ति का दौर भी खत्म होना चाहिए, और जो हार्डकोर वोटर है भाजपा का वो बाहर नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि बार बार मेरे को इतनी तकलीफ होती है सुनकर कि कहा जाता है महारानी महारानी। अरे किस बात की महारानी भाई, आप कहिए माला राजलक्ष्मी शाह, बीजेपी वाले मात्र राजशाही को थोपना चाहते हैं, और श्री देव सुमन को एक श्रद्धांजलि होगी जिनकी, जिनको उत्पीड़ित किया गया, जिनको यातनाएं दी गई इस राजशाही के द्वारा। और अगर वोट आज इनके खिलाफ जाता है तो मात्र इसलिए क्योंकि इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, और ये कहती हैं कि हम तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी सब कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं?